नमस्कार, मैं आशीष सिंह, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतर प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी लोगों को विदित होना चाहिए कि SSC GD की बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस चल रही हैं पूरी तरह से। आज संडे का दिन है, लेकिन फिर भी क्लासेस को स्टार्ट किया गया है, चल रही हैं बेहतरीन तरीके से। उसका उद्देश्य बस यही है कि चूंकि अब एग्जाम की डेट क्लियर हो चुकी है, डिक्लेयर हो गया है, तो उसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 की देखिए यहाँ पे बातचीत है, तो शुरुआत करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन है, पनिहान तथा एरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? देखिए क्वेश्चन आया है कि पनिहान है और इरुला नाम की जो जनजातियां हैं किस राज्य में निवास करती हैं? क्या आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है? ये चार ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, चीजों को समझिए। ठीक, देखिए पनिहान जनजाति की जब बातचीत करें, इरुला जनजाति की जब बातचीत करें, तो फिलहाल इनका जो संबंध है वो केरल राज्य से है, केरल राज्य से है, इनको आप लोगों को समझना है। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र राज्य हो गया, इसमें केरल दिया है, तमिलनाडु दिया है और आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि ढेर सारी जनजातियां इन राज्यों में कहीं ना कहीं पाई जाती होंगी। अगर हम आंध्र प्रदेश की बातचीत करें तो देखिए आंध्र प्रदेश में जो पाई जाने वाली जनजाति है गोंड, हालांकि इस जनजाति का जो विस्तार है अन्य राज्यों में भी है, तो गोंड आप लोग यहाँ पर इसको आप सही करेंगे। इसी प्रकार से कोंडा जनजाति है, याद रखिएगा कोंडा जनजाति है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। कोंडा जनजाति हो गया, गोंड जनजाति हो गया, इन दोनों जनजातियों का संबंध है आंध्र प्रदेश से। इसी प्रकार तमिलनाडु की जब हम बातचीत करते हैं तो तमिलनाडु में आप सभी लोग जानते हैं टोडा जनजाति, टोडा जनजाति है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। केरल में पनिहान तथा इरुला, इसको आप लोगों को क्लियर रखना है, पनिहान तथा इरुला जनजातियां हैं जो इस राज्य में निवास करती हैं। और महाराष्ट्र की बातचीत करें तो महाराष्ट्र में निवास करने वाली जनजाति में वर्ली है, याद रखिएगा वर्ली जनजाति है। इसी प्रकार से भील जनजाति को भी आपको समझना, हालांकि जो भील जनजाति है वो संयुक्त रूप से आप देखेंगे तो ये महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, इसके अलावा आप देखेंगे तो राजस्थान में भी है और थोड़ा बहुत जो है आप देखेंगे तो गुजरात में भी पाई जाती है। ठीक है, तो जब इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप सभी लोग अगर पहले नंबर पे दिया है तो आप प्रेफरेंस देंगे महाराष्ट्र को। जनजातियों का देखिए जो मामला होता है, आप पहले समझिए कि जो जनजातियां होती हैं कभी कभी उनका जो बसाव होता है वो कई राज्यों में होता है। ठीक है, तो राज्यों के हिसाब से अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है तो फिर आप देखेंगे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आप सभी लोग सही करिएगा सी ऑप्शन। आइए दूसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करो। दाफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? दाफला की बातचीत करें और सिंहपो जनजातियों की बातचीत करें, ये किस प्रदेश में पाई जाती है? क्या आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में? ठीक है, आंध्र प्रदेश की तो मैंने बातचीत कर लिया था, आप सभी लोग एक बार पुनः देख लीजिए, गोंड हो गया और कोंडा जनजाति हो गया। ठीक है, ये चीजों को आपको समझना है। हिमाचल प्रदेश की बातचीत करें तो देखिए इसमें है गद्दी, गद्दी जनजाति को आप देखेंगे, इसी प्रकार से कांगड़ी जनजाति है, कांगड़ी जनजाति है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो गद्दी हो गया, कांगड़ी हो गया, ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश की बातचीत करें तो मध्य प्रदेश तो आप सभी लोग जानते हैं, इसमें गोंड भी आएगा, गोंड भी आएगा। देखिए भील की भी जो है यहाँ पर समान उपस्थिति पाई जाती है। सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति है, इसका भी संबंध है। हालांकि सहरिया जो जनजाति है ये राजस्थान में भी पाई जाती है, राजस्थान में भी पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के विषय में हम आपसे कहें तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय प्रदेश माना जाता है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय प्रदेश किसे माना जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। अगर हम 2011 की गणना का आकलन करें, याद रखिएगा 2011 की जनगणना का आकलन करें, तो उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग 8 करोड़ जनजातियों की संख्या दर्ज की गई। ठीक है, वहीं पूरे देश की कुल जनसंख्या 121 करोड़ दर्ज की गई, जिसमें आप देखेंगे तो 121 करोड़ जनसंख्या में 8 करोड़ जनसंख्या रही जनजातियों की।
अब 8 करोड़ जनसंख्या में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या रही भील जनजाति की, 2011 की आकलन हम कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर गोंड रहा, दूसरे नंबर पे गोंड रहा, तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो संथाल का नाम आता है, ठीक है, संथाल जनजाति का नाम आता है। देख बात समझिए, 2011 में 121 करोड़ जनसंख्या और 8 करोड़ जनसंख्या जनजातियों की रही, जिसमें भील पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर गोंड है, तीसरे नंबर पर संथाल है। अगर हम राज्य की बातचीत करें तो देखिए राज्य एमपी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है, इसीलिए इसे ट्राइबल स्टेट कहा जाता है। 2011 के आंकड़ों में हम पाए कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर जनजातियां पाई ही नहीं जाती हैं, जिसमें आप देखेंगे तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हरियाणा, इसी प्रकार से दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, है ना। हालांकि ये दोनों तो मान लीजिए केंद्र शासित राज्य है, इन राज्यों में ना के बराबर जनजातियां पाई जाती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में सर्वाधिक जनजाति वाला जो राज्य हो गया वो कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश, और जहां नहीं पाई जाती हैं ये सामान्य रूप से आपके राज्य, तो ये ट्राइबलेस स्टेट हो गए और ये ट्राइबल स्टेट हो गया। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। और अरुणाचल प्रदेश देखिए, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सी जनजातियां हैं जिसमें दाफला का नाम सुने होंगे, इसी प्रकार सिंघपो जनजाति है, पटकाई जनजाति है, इसी प्रकार से आप देखेंगे मिसमी जनजाति है। ये आप सभी लोग समझ सकते हैं कि ये कहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियां हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। इन्हीं जनजातियों के नाम से ही वहां पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, उनके नाम से भी चीजों को आप लोग बहुत बेहतर तरीके से याद रख सकते हो, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है लेप्चा तथा भूटिया जनजाति। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? देखिए लेप्चा जनजाति के विषय पूछ रहा है और भूटिया जनजाति के विषय पूछ रहा है। सिक्किम देखिए इसमें है, उड़ीसा है, मेघालय है और मिजोरम। थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अभी हमने बताया कि सबसे ज्यादा भील जनजाति है, भील के बाद देखिए गोंड की हमने बातचीत की, इसके बाद संथाल की बातचीत, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लेप्चा और भूटिया के विषय में जब बातचीत हो रही है तो सिक्किम, ओडिशा, मेघालय और मिजोरम। देखिए मिजोरम में तो आप सभी लोग जानते हैं कि मिजो जनजाति है। मेघालय की बातचीत करें तो गारो जनजाति हो गई, खासी जनजाति हो गई और जैंतिया जनजाति हो गई। इनके विषय में तो आप लोग पढ़े ही होंगे, गारो, खासी और जैंतिया। ओडिशा की बातचीत करें तो संथाल जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति मानी जाती है। कहा जाता है कि संथाल जनजाति से ही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है ना, ये हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं और पहली ट्राइबल आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, संथाल जनजाति उड़ीसा से संबंधित है। हालांकि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि उड़ीसा के मयूरभंज से उनका ताल्लुक है और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का जो है उनको रुतबा प्राप्त हो चुका है, ठीक है, ये चीज आपको समझना है। इसी प्रकार से देखिए सिक्किम की बातचीत करें तो सिक्किम में लेप्चा हो गया और भूटिया हो गया, ये दोनों जनजातियों का संबंध हो गया सिक्किम से। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आप सभी लोग ए ऑप्शन को सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिए सभी लोग, चौथे क्वेश्चन को ध्यान समझने का प्रयास करिए। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? ओंजो जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। क्या होगा ऑप्शन? देखिए ऑप्शन में अंडमान निकोबार दिया हुआ है, दादरा नागर हवेली दिया हुआ है, दमन और दीव दिया हुआ है, लक्षद्वीप दिया हुआ है। हालांकि अब ये दोनों राज्य एक ही हो गए, आपस में मर्ज हो गए, तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव एक ही केंद्र शासित प्रदेश बचे। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ओंजे जनजाति की जब बातचीत करते हैं तो कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन को सभी लोग सही करिए। अंडमान निकोबार हमारा जो द्वीप समूह है, विभिन्न जनजातियों का क्षेत्र है,
जिसमें सेंटली का नाम सुने होंगे भैया, सेंटली का नाम सुने होंगे, जारवा का नाम सुने होंगे, इसी प्रकार ओंजो का नाम सुने होंगे, हालांकि इसी को ओंगे भी जनजाति भी कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए सोमपेन जनजाति है, सोमपेन जनजाति है, अंडमानी है, अंडमानी जनजाति, इसी प्रकार से निकोबारी जनजाति, यहाँ की जनजातियां हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सेंटली जनजाति जारवा हो गया, ओंजो हो गया या ओंगे हो गया, सोमपेन हो गया, अंडमानी हो गया तथा निकोबारी हो गया, ये सभी जनजातियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। दोस्तों ठक्कर बापा का नाम सुने होंगे, ठक्कर बापा जो साहब थे उन्हें भारतीय आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा कि भारतीय आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा किन्हें कहा जाता है, तो ठक्कर बापा साहब को कहा जाता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठक्कर बापा को भारतीय आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का आप सभी लोगों ने ए ऑप्शन चुना, आप लोगों को ए ऑप्शन यहां पर ध्यान देना था, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है। देखिए सहरिया जनजाति के विषय में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, गुजरात में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है। देखिए सहरिया जनजाति की जब हम बातचीत करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के अलावा आप देखेंगे राजस्थान से भी संबंधित है, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है। गुजरात में आप सभी लोग जानते हैं कि जो जनजाति है, गुजरात की अगर हम जनजातियों की सामान्य रूप से बातचीत करें तो आपने कोली जनजाति का नाम सुना होगा, कोली जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति है। उड़ीसा की हो गई संथाल, ध्यान दीजिएगा संथाल हो गई। इसी प्रकार से राजस्थान की बातचीत करें तो मीणा जनजाति हो गई, ध्यान दीजिएगा मीणा हो गई। इसी प्रकार से आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा बंजारा जनजाति का नाम सुने होंगे, बंजारा जनजाति का नाम सुने होंगे, सहरिया जनजाति का नाम सुने होंगे। इसी प्रकार भील जनजाति है, भील जो जनजाति है भारत की सबसे प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है, याद रखिए इसके विषय में दो पॉइंट आपको याद रखना है, भारत की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, तो वो भील है, और भील का मतलब होता है धनुर्धारी, याद रखिएगा धनुर्धारी जो है ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरी बात यह है कि ये भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भी मानी जाती है, ठीक है। तो मीणा हो गया, मीणा को बहुत पढ़ी लिखी जनजाति मानी जाती है राजस्थान की, बंजारा हो गया, सहरिया हो गया, ये राजस्थान से संबंधित है। महाराष्ट्र की बातचीत करेंगे तो देखिए कोली, याद रखिएगा इसमें जो जनजाति पाई जा रही है इसमें देखिए वर्ली हो गया, वर्ली को आप सभी लोगों को सही करना है, भील जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती है, इसको भी आप लोगों को क्लियर रखना है, ठीक है। तो सही जवाब कौन सा होगा, आदिवासी सहरिया की जब बातचीत करें तो देखिए सहरिया आपका मध्य प्रदेश तो दिया नहीं है, तो इसलिए राजस्थान को आप सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है। देखिए एक राजस्थान की भील है, मीणा है, डोगरी है या फिर सहरिया है, आप सभी लोग बताइए। पिछले प्रश्न को हमने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया तो उसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि आखिर कौन सी जनजाति जो होगी वह राजस्थान से संबंधित नहीं होगी। तो देखिए डोगरी की जब बातचीत करते हैं तो डोगरी का संबंध जम्मू एंड कश्मीर से है, आप सभी लोगों को ध्यान देना है। जम्मू कश्मीर में डोगरी के अलावा आप देखेंगे तो गुज्जर जनजाति है, बकरावल है, तो यहाँ पर आपको डोगरी को भी शामिल करना है, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसलिए राजस्थान की जनजाति में हम इसको नहीं रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है। मुंडा जनजाति की देखिए बातचीत आ गई, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में, सभी लोग बताइए। उड़ीसा की देखिए साफ साफ आपको संथाल बताना है, मध्य प्रदेश में आप गोंड को बता सकते हैं, गोंड जनजाति को बता सकते हैं, इसी प्रकार कोरबा जनजाति है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पाई जाती है,
बिहार की बातचीत करें तो बिहार में देखिए वाल्मीकि जनजाति है, वाल्मीकि जनजाति को आपको याद रखना है। झारखंड का संबंध देखिए मुंडा जनजाति से है, आपने बिरसा मुंडा का नाम सुने होंगे, पूजनीय है बिरसा मुंडा, ठीक है, तो झारखंड से संबंधित है। आप सभी लोग बी ऑप्शन को सही करेंगे। मुंडा जनजाति का संबंध किससे होना चाहिए, तो वह होना चाहिए आपका झारखंड राज्य से। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। भील जनजाति की देखिए बातचीत हो गई, सबसे पुरानी जनजाति और सर्वाधिक ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति भी है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों के समीपवर्ती क्षेत्रों में। अगर आपने दूसरा क्वेश्चन का आकलन देखा होगा तो हमने बताया था कि जो भील जनजाति है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, फिर इसके बाद राजस्थान में है तथा गुजरात में भी पाई जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी इसका निवास है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तो दिया नहीं है, तो तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में अगर इसका आप उत्तर बताएंगे तो ये आपका सही जवाब होगा, ठीक। भील जनजाति के विषय में एक चीज और आपको समझना है कि भील जनजाति अपने आप को एक तरह से रजवाड़े से मानती है, रजवाड़े से तुलना करती है, और इन जनजातियों की महिलाओं द्वारा आप देखेंगे एक नृत्य होता है, क्लासिकल डांस किया जाता है, जिसे घूमर कहा जाता है। घूमर कहा जाता है, आप सभी लोग देखेंगे। एक फिल्म बनी थी पद्मावत, है ना, क्या नाम था, पद्मावत नाम था। तो पद्मावत में इस कहीं ना कहीं नृत्य को दर्शाया गया है, घूमर नृत्य को दर्शाया गया है, जो भील जनजाति की महिलाओं में सामान्य रूप से ये नृत्य होता है या किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नवा क्वेश्चन है, कुकी जनजाति का संबंध कहाँ से है। कुकी जनजाति का संबंध देखिए मणिपुर है, असम है, मिजोरम है, मेघालय, ये चार राज्य आपके सामने दिए हुए। मेघालय की अगर हम लोग बातचीत करें तो यहाँ पर देखिए तीन जनजातियों को सबसे पहले आपको समझना है, गारो हो गया, इसी प्रकार खासी जनजाति हो गई, खासी जनजाति हो गई, इसी प्रकार से जैंतिया जनजाति हो गई। ये तीन जनजातियों को यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। मिजोरम की जब हम बातचीत करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको मीजो जनजाति को याद रखना है, इसको मीजो जनजाति को याद रखना है। असम की बातचीत करें तो असम में देखिए बहुत ढेर सारी हैं, एक तो बोडो जनजाति का नाम सुने होंगे, बोडो जनजाति हो गई, दूसरी जनजाति हो गई कार्बी, कार्बी जनजाति हो गई, इसी प्रकार से मिकिर है, कौन सी जनजाति है, मिकिर है, तथा रेंगुमा जनजाति का नाम सुने होंगे, रेंगुमा जनजाति, यानी बोडो हो गई, कार्बी हो गई, मिकिर हो गई और रेंगुमा जनजाति, ये जनजातियां कहाँ से संबंधित है, तो असम से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। मणिपुर राज्य की जो जनजाति है उसका नाम है कुकी। तो आप लोग यहाँ पर नवे का ए ऑप्शन सभी लोग सही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन आपका ए सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है, गारो, खासी तथा जयंतिया किस राज्य में निवास करती है। अब आप बताइए गारो, खासी तथा जयंतिया किस राज्य में निवास करती हैं। मिजोरम दिया है, मणिपुर दिया है, असम दिया है, मेघालय दिया है, तो बताइए क्या होगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 10वें का सही जवाब क्या होगा, आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। बताओ भाई सभी लोग, इसमें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि मेघालय में तीन पहाड़ हैं, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं भारत का जो पूर्वी भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पठार है, इस पठार का नाम मेघालय पठार, मेघालय पठार का नाम सुने होंगे। मेघालय पठार में तीन श्रेणियां, गारो, खासी और जयंतिया। गारो देखिए आप देखेंगे पश्चिम क्षेत्र में है, गारो जनजाति कहाँ पर है, पश्चिम क्षेत्र में है, मध्य क्षेत्र में कौन सी हो गई, खासी हो गई, और इसके बाद पूर्वी क्षेत्र में हो गई जयंतिया। ये तीनों जो है किस पठार में, तो आप देखेंगे मेघालय पठार में पाई जाती है, गारो, खासी, जयंतिया। तो यहाँ पर मेघालय को सभी लोग सही करेंगे, ठीक। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक का एक शानदार विश्लेषण रहा। अब चीजों को थोड़ा सा आप लोग और अच्छे तरीके समझ लीजिए। अगर हम भारत की जनजातियों की थोड़ा राज्य वाइज बात कर ले यहाँ पर, तो देखिए अगर हम लद्दाखी की बातचीत करें, लद्दाखी जनजाति कहाँ से संबंधित हो सकती है, तो आप सभी लोगों को जवाब देना है,
आप सभी लोग जवाब देना है कि ये जनजाति किस राज्य से संबंधित हो सकती है। इसी प्रकार गुज्जर हो गया, बकरावल हो गया, इसी प्रकार डोगरी। इन तीनों जनजातियों का लोकेशन किस राज्य में है, इसको भी आप सभी लोग बताइएगा। कांगड़ी की बातचीत करें, कांगड़ी हो गया। इसी प्रकार से आप दूसरा जनजाति है यहाँ की गद्दी, ये किस राज्य से संबंधित है, इसको भी आप सभी लोग बताइएगा। मीणा हो गया, सहरिया हो गया, इसी प्रकार से भील हो गया, ये तीनों जनजातियों का संबंध किस राज्य से, इसको भी आप बताइएगा। ठीक है, इसमें एक चीज और शामिल कर लीजिए, बंजारा शामिल कर लीजिए। ठीक है, कोली जनजाति हो गई, ये जनजाति का संबंध किस राज्य से है। इसी प्रकार से वर्ली जनजाति का संबंध कहाँ से। देखिए ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, अब चूंकि ये क्वेश्चन में नहीं है ज्यादा, तो इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये सब किस राज्य में है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके अलावा भी आप देखिए, नायर जनजाति का संबंध, चलिए हम बता दे रहे हैं, केरल से संबंधित है। इसी तरह आप देखिएगा कि केरल में इरुला जनजाति भी पाई जाती है, इरुला जनजाति हो गई, ये भी केरल से संबंधित है। टोडा जनजाति को तो आप सभी लोग जरूर बताइएगा, टोडा जनजाति, तो ये आप सभी लोग बताएंगे। इस जनजाति के विषय में बता दूं कि इस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। ठीक है, बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है, ये एक अलग तरह की प्रथा है। इसी प्रकार से अगर हम लोग आंध्र प्रदेश में जाएं तो आंध्र प्रदेश में देखिए गोंड हो गया, गोंड की बातचीत करें और कोंडा की बातचीत करें। ठीक है, इसमें आप सभी लोग आंध्र प्रदेश लिख सकते हैं। अब संथाल देखिए हो गया, संथाल जनजाति कहाँ से है, बुक्सा जनजाति कहाँ से है, देखिए बुक्सा की बातचीत है, ये नया नया क्वेश्चन आ गया आपके लिए, बुक्सा हो गया। इसी प्रकार से गोरखा हो गया, इस जनजाति का संबंध है पश्चिम बंगाल से। जो भाई नहीं आपको क्लियर है तो देखिए मैं बोले दे रहा हूं, बुक्सा हो गया, गोरखा पंजाब से, पश्चिम बंगाल से हो गया। मुंडा जनजाति की बातचीत करें या फिर बिरसा जनजाति की बातचीत करें, इसका संबंध झारखंड से हो गया। ठीक है, किससे हो गया, झारखंड से हो गया। तो कुल मिला के यह है कि जितने आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए इसमें, उसको आप लोगों को बिल्कुल सही सही जवाब देना है कमेंट करके। ठीक है, इसी प्रकार बिहार में मैंने वाल्मीकि बताया है। कोरबा जनजाति छत्तीसगढ़ से हो गया, बहुत ढेर सारे राज्य हैं, हर राज्य में कहीं ना कहीं जनजातियां पाई जाती हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश से संबंधित भी जनजाति का आप अध्ययन करेंगे, उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजाति के विषय में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन ग्यारहवें से। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, आबो जनजाति संबंधित है। देखिए आबो जनजाति के विषय में जब पूछा जा रहा है, मेघालय से है, असम से है, नागालैंड से है या फिर त्रिपुरा से है। ठीक है, तो आबो जनजाति को आप सभी लोग याद रखिएगा, नागालैंड में दो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, एक का नाम है नागा जनजाति और दूसरे का नाम है दोस्तों आबो जनजाति, इनको आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए असम के विषय में तो मैंने बता ही दिया कि बोडो है, बोडो जनजाति है, इसी प्रकार से कार्बी जनजाति हो गई, मिकिर हो गई और रेंगुमा हो गई। ठीक है, मेघालय में गारो खासी जयंतियां आई हैं, तो इसमें से सही जो जवाब होगा आपका सी ऑप्शन को सभी लोग बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए आ गया, गोंड जनजाति से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी लोग यहां से तय करिएगा, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है क्या, केरल में है, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर त्रिपुरा में है, सोचिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो सकता है, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोग बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में हमने गोंड भी बताया और इसके बाद कोंडा जनजाति भी बताया। ठीक है, गोंड जनजाति के विषय में आपको समझना है कि हमारे देश में जो है, अगर 2011 की गणना का हम आकलन करें तो सबसे देखिए पहले नंबर पर आता है भील जनजाति, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है गोंड। ठीक है, तीसरे नंबर पे हालांकि संथाल जनजाति का नाम, ठीक है ना, तो
तो भारत की सबसे पुरानी जनजाति भी है, प्राचीनतम जनजाति है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली भी जनजाति है, और यूं कह लीजिए कि सबसे बड़ी भी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति इन द सेंस पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब अगर कहा जाए कि भारत की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, जो बहुत छोटे ग्रुप में रहती है ना, उसका जो एथनिक ग्रुप है बहुत ही छोटा है, तो आप बता सकते हैं कि उसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, पाई जाने वाली जनजाति है, उसका नाम है राजी। याद रखिएगा, राजी को भारत की सबसे छोटी जनजाति मानी जाती है। सबसे कम संख्या में ये जनजाति सामान्य रूप से उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर है अगला, ध्यान दीजिए सभी लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति पाई जाती है? ये लीजिए भाई, कुकी जनजाति के विषय पूछा जा रहा है। अब आप सभी लोग तय करके बताइए, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। मिजोरम में मैंने देखिए मीजो बताया है, इसमें कई जनजातियां हैं, डाफला है, पटकोई है, मिरी है, मिसमी है, आपातानी। देखिए, एक नई जनजाति यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपातानी जनजाति है जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, पटकोई जनजाति भी है। नागालैंड से देखिए आपको ओबे जनजाति मिला, और नागा जनजाति मिला। मणिपुर की जब बातचीत करेंगे तो इसका सही जवाब है आपका कुकी। कुकी जनजाति का संबंध कहाँ से है? मणिपुर से है, आप लोगों को तय करना। देखिए, आप सभी लोग एक चीज देख रहे होंगे कि भूगोल में जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, उस टॉपिक में आप देखेंगे ढेर सारे क्वेश्चन आपको रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन यहाँ से रहे, एक क्वेश्चन वहां से रहे, एक क्वेश्चन यहाँ से रहे। हमारा उद्देश्य यह है कि कम से कम एक महीने तक, हम आपको चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवा दें, तो कम से कम ये है कि उस टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से कवर कर लें। फिर इसके बाद जो बचा हुआ समय होगा, उसमें हम क्या करेंगे कि पूरा मिला के आपको बताएंगे। पूरा मिलाने का मतलब इंडियन ज्योग्राफी भी रहेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी रहेगा, एस्ट्रोनॉमी को सब शामिल करेंगे, तो तीनों को जब आपको शामिल करके बताएंगे, तो फिर वो एक और भी स्ट्रेटजिकल जो है, आप कह सकते हैं कि एक शानदार प्रक्रिया होगी, ठीक है। इस बात को आपको यहाँ पर क्लियर करना। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? बताओ भाई, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? इसमें गोंड है, इरुला है, पनियान है, राजी है, बताओ। गोंड जनजाति को तो मैंने बताया ना, कई राज्यों में इसका विस्तार है। इरुला देखिए केरल में हो गया, पनिहान भी केरल में हो गया, राजी आपका उत्तराखंड से संबंधित हो गई। तो सबसे बड़ा जनजातीय समूह किसको आप बताएंगे? अब चूंकि इसमें भील नहीं दिया, तो आप सभी लोग इसको ए ऑप्शन को सही कर लीजिए, ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित में कौन जनजाति मौसमी प्रवास के लिए संबंधित है? मौसमी प्रवास का मतलब ये है कि भैया जो मौसम उनके सुइटेबल होता है, उस मौसम के हिसाब से जो है वो उस स्थान पर निवास करना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। तो अब आप बताइए, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कौन से, थारू है, भोटिया है, जौनसारी है, या फिर बोक्सा है, ठीक है। तो देखिए, बोक्सा जो जनजाति है, ये तो आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित हो गया, जौनसारी देखिए ये आपका उत्तराखंड से संबंधित हो गया, भोटिया हो गया देखिए भोटिया जनजाति है, ये उत्तराखंड से संबंधित है। थारू जो जनजाति है दो राज्यों में, एक आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड हो गया, और दूसरा हो गया यूपी, ठीक है। यूपी के ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है, इस जनजाति के विषय में आपको समझना है, यह जनजाति जो दीपावली होता है, दीपावली तो भाई आप सभी लोग जानते हैं हिंदुओं का एक शानदार पर्व है, एक पवित्र पर्व है, तो ये दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है, याद रखिएगा, शोक मानती है ना, ये शोक मानती है, इस चीज को आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि कौन सी जनजाति है जो दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है, तो उसका नाम है, आप कह सकते हैं थारू जनजाति। अब इसमें जनजाति में ये भी आपको ध्यान देना है कि जो खिचड़ी, नृत्य, याद रखिएगा, खिचड़ी नृत्य इनमें पाया जाता है। अब चूंकि ये जनजाति गोरखपुर के आसपास पाई जाती है, गोरखपुर हो गया, गोरखपुर से होते हुए जो है लखीमपुर खीरी साइड तक, तो तराई क्षेत्र में ये पाई जाती है। तराई क्षेत्र में जब पाई जाती है, तो देखिए गोरखपुर में वैसे भी खिचड़ी मेला लगता है, तो खिचड़ी जो नृत्य होता है वो किससे संबंधित है? थारू से संबंधित है। कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो यहां पर आपको बी ऑप्शन को सही करना है, क्वेश्चन नंबर 15।
ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, चेचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है। देखिए चेचू जनजाति की जब बातचीत की जा रही है, ये किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से है, झारखंड से है, राजस्थान से। चेचू जनजाति बड़ी अलग तरह की जनजाति देखिए यहाँ पर आपको मिली। इस जनजाति का संबंध सामान्य रूप से किस राज्य से होगा, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को सभी लोग सही करेंगे, चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान के विषय में अब आपको क्लियर हो गया होगा, जो जनजातियां पाई जाती हैं उसके विषय मैंने बता दिया, जिसमें सहरिया का नाम सुने होंगे, भील का नाम सुने होंगे, मीणा का नाम सुने होंगे, बंजारा का नाम सुने होंगे। झारखंड में आप मुंडा को कह सकते हैं, इसी प्रकार से बिरसा को कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए चेचू जनजाति हो गया, कोंडा जनजाति हो गया, गोंड जनजाति हो गया। मध्य प्रदेश में तो जनजातियों की भरमार है, आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो चेचू जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ओराम जनजाति किस राज्य से संबंधित है। ओराम जनजाति की जब बातचीत हो रही है, क्या ये राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से है, झारखंड से है, या फिर नागालैंड से। ठीक है, ओराम जनजाति इसका संबंध किस राज्य से है, आप सभी लोगों को बताना है। सभी लोग तब तक बताइए, एक मैं शॉर्ट विश्लेषण आपके सामने कर रहा हूं। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 2011 की जो जनगणना है, इसको ही हम लोग सामान्य रूप से भी मानेंगे, क्योंकि 2022 की जो 2021 की जो जनगणना है अभी आपके सामने नहीं आई हुई है। अगर उसके हिसाब से भी देखा जाए तो लगभग हमारे देश की जनसंख्या 142 करोड़ के आसपास हो चुकी है, जिसमें जनजातियों की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ का हिस्सेदारी है। ठीक है, 2011 की अगर हम लोग बातचीत करें तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे ज्यादा जनजाति वाला राज्य कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसको आप लोगों को याद रखना है। अब प्रश्न ये है कि सबसे कम कहाँ पाई जाती है, अरे हम कहते हैं जहां पर नहीं पाई जाती तो वहां की बातचीत होनी चाहिए, है ना। तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इसी प्रकार से आप देखेंगे चंडीगढ़ हो गया और दिल्ली हो गया। ये ऐसे राज्य है जहां पर जनजातियां नहीं पाई जाती। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। फिर इसके बाद देखिए, भारत में सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो भील का नाम सुने होंगे, भील सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है। दूसरा, अगर हम राजी की बातचीत करें तो राजी भारत में सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसमें देखिए कुछ जनजातियों के विषय में आपको समझना है कि जैसे दिवाली या दीपावली, दीपावली पर्व को कौन सी जनजाति है जो शोक के रूप में मनाती है, इसका भी आप लोगों को समझना है कि शोक के रूप में मनाने वाली जो जनजाति है उसका नाम होगा थारू जनजाति। थारू जनजाति को आपको समझना है। इसी प्रकार कौन सी जनजाति है, जो बहुपति विवाह प्रथा, इस प्रकार से जो है इस प्रकार की प्रथा पाई जाती है, तो टोडा जनजाति को आपको समझना है। टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है, इस बात को आपको समझना है। ठीक है, तो इतनी चीजों को यहां पर आपको समझना। हालांकि ओरांग की जब बात की, देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और नागालैंड, तो यहां पर आपको डी ऑप्शन सही करना है, क्वेश्चन नंबर 17वां का। ठीक, 18वें पे चलते हैं। 18वां प्रश्न आपके सामने है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, नागालैंड, झारखंड, गुजरात या नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो आप सभी लोग इसमें बताइए क्या होगा जवाब। आइए थोड़ा सा हम विश्व की जनजातियों पर भी नजर रख देते हैं, एक छोटा सा सरसरी नजर हम लोग रखते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है, है ना, विश्व की प्रमुख जनजातियों के विषय में आइए हम लोग यहाँ पर समझते। देखिए अगर हम सामान्य रूप से पहले चीन से चले तो चीन में आप लोगों को ध्यान देना, उइगर जनजाति, का संबंध कहां से है, तो चीन से आपको ध्यान देना है, चीन इसका सही जवाब है। दूसरा आप ध्यान दीजिए, दूसरा आपका रोहिंग्या, रोहिंग्या जनजाति में आपको ध्यान देना है। दो देशों को रखना है, एक म्यांमार को रखना है, और दूसरा जो है बांग्लादेश को रखना है।
बांग्लादेश को रखना, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आइनू की बातचीत करते, आइनू जनजाति, आइनू जो जनजाति है इसका संबंध है जापान से। कहां से दोस्तों? जापान से, आप किसको समझिए। इसी प्रकार से कादर हो गया, कादर जनजाति हो गया, कौन सी? कादर जनजाति हो गया, और याकूत जनजाति, याकूत जनजाति ये रूस से संबंधित हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा किर्गीज, किर्गीज की जब बातचीत करते हैं तो इसमें सीधा सीधा मध्य एशिया, आप सभी लोग समझिएगा, मध्य एशिया सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से देखिए पंजसीरी, पंजसीरी हो गया, पंजसीरी जनजाति का संबंध हो गया, देखिए कहां से? अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से हो गया। इसी प्रकार देखिए पख्तून, पख्तून हो गया। इसी प्रकार से देखिए अफरीदी, अफरीदी जनजाति हो गई। ये दोनों को आप लोग जो है पाकिस्तान से रख दीजिए, पाकिस्तान से इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पिग्मी जनजाति का नाम सुने होंगे, पिग्मी जनजाति हो गई, ये कांगो से संबंधित है। पिग्मी जनजाति के विषय में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे नाटेकद की जनजाति है। दुनिया की सबसे नाटेकद की जनजाति कौन सी है? तो पिग्मी है, जो कांगो देश में पाई जाती है। कहां पर? कांगो देश में निवास रहती है। इसी प्रकार बुशमैन की बातचीत करें, बुशमैन, बुशमैन देखिए बोत्सवाना में पाई जाती है। कभी कभी पूछा जाता है किस मरुस्थल में ये रहती है, तो इसका उस मरुस्थल का नाम है कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। मसाई जनजाति, मसाई की बातचीत करें तो ये केन्या देश से संबंधित है। केन्या देश से संबंधित कौन सी जनजाति है? मसाई जनजाति है। बोको हरम, बोको हरम की बातचीत करें, बोको हरम तो देखिए ये नाइजीरिया में सामान्य रूप से पाई जाती है, हालांकि इसका जो विस्तार क्षेत्र है कई देशों में है, कैमरून है, नाइजीरिया है, नाइजर है, मध्य अफ्रीकन गणराज्य है, तमाम देशों में है, ठीक है। तो आप इस बात को नोट करते चलिएगा। आगे समझिए जुलू की बातचीत करें, जुलू जनजाति हो गया, जिप्सी जनजाति हो गया, ये दो जनजातियां आरएसए, आरएसए मतलब रिपब्लिक साउथ अफ्रीका में निवास करती हैं, पाई जाती हैं। रेड इंडियन की बातचीत करें, रेड इंडियन हो गया, रेड इंडियंस हो गया। इसी प्रकार से होपी हो गया, होपी, यांकी हो गया, अपाचे हो गया, अपाचे, ये जितनी भी जनजातियां हैं देखिए कहां से संबंधित है, यूएसए से संबंधित है। आगे ध्यान दीजिएगा एस्किमो, एस्किमो जनजाति का संबंध कहां से है? तो एस्किमो में आपको दो देशों को यहां पर कनाडा और ग्रीनलैंड को यहां पर शामिल करना है, ठीक है। माया जनजाति कौन सी जनजाति दोस्तों? माया जनजाति है, माया जनजाति का संबंध हो गया मैक्सिको से, मैक्सिको से हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से बोरा, बोरा जो जनजाति है वो आपका ब्राजील से संबंधित है, इसको आप लोगों को याद रखना है। महोरी, महोरी की बातचीत करें तो ये आपका न्यूजीलैंड में पाई जाती है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इसी प्रकार से आप देखें एर्जोविंस, एर्जोविंस जो जनजाति है, एर्जोविंस जो जनजाति है दोस्तों, ये जनजाति पाई जाती है, एर्जोविंस ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली जनजाति का नाम है एर्जोविंस, न्यूजीलैंड में महोरी, ठीक है। इतनी जनजातियां हमने आपको लिखा दिया है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं ना कहीं ये जरूर काम आएगा, ठीक है। तो टोडा जनजाति का संबंध कहां से या कहां पर निवास करती है? तो नीलगिरी पहाड़ी, आप सभी लोगों को सही जवाब देना है कि टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है। ये जनजाति बहुपति विवाह, याद रखिए जनजाति में जो महिलाएं होती हैं वो बहुपति विवाह प्रथा को मानती हैं, याद रखिए बहुपति विवाह प्रथा को मानती है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में सामान्य रूप से बागानी कृषि करके अपना जीवन यापन करने वाली जनजाति है टोडा जनजाति, ठीक है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिए झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड की देखिए बातचीत हो रही है, झारखंड उराव है, मुंडा है, हो है या फिर संथाल है, सोचिए दोस्तों। हालांकि मैं अगर आपको बताऊं तो संथाल जनजाति, देखिए संथाल जो जनजाति है उस जनजाति का जो संबंध है वो उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ हो गया,
ये ऐसी जनजाति है जो कहीं ना कहीं कई राज्यों में विस्तारित है, कई राज्यों में इसका विस्तार है, ठीक है। लेकिन झारखंड की जब बातचीत करते हैं तो मुंडा जनजाति को आपको सबसे पहले रखना है। भगवान बिरसा मुंडा नाम से लड़ोगे, बिरसा मुंडा पूजनी है, यहाँ पर बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है रहा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है गारो, ध्यान दीजिएगा, गारो जनजाति है। गारो जनजाति का संबंध कहाँ से है? असम से है, मणिपुर से है, मिजोरम से है या फिर मेघालय से? सभी लोग तेजी के साथ बताने का प्रयास करें। गारो जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शुरू से लेकर अभी तक विश्लेषण ध्यान से सुना होगा तो आप लोग जरूर सुनिश्चित कर पाएंगे कि आखिर इस जनजाति का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, तो सभी लोग बताइए, असम से है, मणिपुर से है, मिजोरम से है या फिर मेघालय से है? तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका सही जवाब बताएंगे कि ये मेघालय से संबंधित है, मेघालय राज्य से संबंधित है। तो ये सेशन है आज का, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। अब यहाँ से लगभग हम आपको एक दर्जन प्रश्न दे रहे हैं और एक दर्जन प्रश्नों को आप सभी लोगों को उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में, वहां पर उसको हम जरूर विचार करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका आंसर भी होगा तो फिर अगले लेक्चर में शामिल करेंगे। पहला देखिए सवाल है आपके सामने, भारतीय आदिवासियों का मसीहा, भारतीय आदिवासियों का मसीहा किन्हें कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा किन्हें कहा जाता है? ये आप लोगों को सवाल का जवाब देना होगा, ठीक है। भारतीय आदिवासियों का मसीहा किन्हें कहा जाता है? दूसरी बात यह है, आदिवासी शब्द का प्रयोग, आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये चीज आपको बताना है। दूसरा सवाल, तीसरा हो गया, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, कौन सी जनजाति बहुपति विवाह प्रथा को मानती है, ठीक है, बहुपति विवाह प्रथा को मानती है। इसके बाद अगला सवाल आपको ध्यान देना है, ठीक है, किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा घूमर, याद रखिएगा, घूमर नृत्य किया जाता है, ठीक है, ये चीज आपको समझना है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य यानी ट्राइबल स्टेट कौन सा है? सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। फिर इसके बाद है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, इसको भी आपको बताना है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, इसका भी आप लोगों को जवाब देना है। इसके बाद कम जनसंख्या वाली जनजाति का भी नाम बताना। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया और ये सातवां रहा, ठीक है। ये सात क्वेश्चंस को आप सभी लोग देखिए, इसके बाद कुछ प्रश्नों को हम आपको और देते हैं और आप सभी लोग बहुत शिद्दत के साथ अच्छे तरीके से इनका जवाब दीजिएगा। एक दो जवाब में हो सकता है दिक्कत आए, बाकी तो सब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको देख पा रहे होंगे। आइए अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, सात तक हो गए हैं, आठवें क्वेश्चन को देखते हैं, आठवें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, कौन सी जनजाति पेड़ों के ऊपर अपना आवास बनाकर रहती है, अपना आवास बनाकर रहती है, ये आप सभी लोगों को ध्यान देना है। इसके बाद नौवां सवाल है, ठीक है, इग्लू इग्लू किस जनजाति का आवास है, किस जनजाति का
आवास है ये आप सभी लोगों को बताना है, ठीक है। दसवें क्वेश्चन पर हम लोग चलें, दसवें प्रश्न पर अगर हम लोग चलें तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कौन सी जनजाति कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, में निवास करती है, इसका भी जवाब ध्यान दीजिएगा। कौन सी जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। इसके बाद अगला 11वां क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसको समझिए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख जनजाति कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख जनजाति कौन सी है, ये आप सभी लोगों को ध्यान देना है। और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन है कुर्द जनजाति। कुर्द जनजाति ये बहुत ही फेमस रही है ना, कुर्द जनजाति किस देश में पाई जाती है, किस देश में पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 13वां नंबर, ध्यान दीजिए। उइगर हो गया, रोहिंग्या हो गया, उइगर हो गया, रोहिंग्या हो गया, अपाचे हो गया, अफरीदी हो गया, अफरीदी हो गया, ये सभी जनजातियां किन किन देशों में पाई जाती हैं। तो ये रहा आज का सेशन, उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और इन प्रश्नों के जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि इनको आपको हम पढ़ा चुके हैं, एक दो क्वेश्चन पर दिक्कत आ सकती है, उसके लिए हम बिल्कुल बने हुए हैं। अभी तक जय हिंद।